सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक मीन्स सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी मीन्स सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट मीन्स सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस मीन्स सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल ताकत का है, इट्स ऑल अबाउट पावर। इट्स ऑल अबाउट पावर मीन्स सारा खेल ताकत का है, इट्स ऑल अबाउट पावर। ये सारे सेंटेंस सीखने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको ये बताना है कि सारा खेल इंग्लिश भाषा का है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स मीन्स मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स मीन्स मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स। उसे छिपकलियों से डर लगता है, शी इज स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। शी इज स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स मीन्स उसे छिपकलियों से डर लगता है, शी इज स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर फादर। आई एम स्केयर्ड ऑफ योर फादर मीन्स मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर फादर। मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स मीन्स मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम मीन्स कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी मीन्स कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी मीन्स कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ। डू एवर लाफ मीन्स कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ। मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन विद यू। आई शुड हैव गॉन विद यू मीन्स मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, आई शुड हैव लिसन्ड टू यू। I should have listened to you means मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, I should have listened to you। तुम बहुत देर लगा रहे हो, You are taking too long। You are taking too long means तुम बहुत देर लगा रहे हो, You are taking too long। मुझे ये assignment खत्म करने में बहुत देर लग गई, I took too long to complete this assignment। I took too long to complete this assignment means मुझे ये assignment खत्म करने में बहुत देर लग गई। वह काम करने में बहुत देर लगाता है, He takes too long to work। He takes too long to work means वह काम करने में बहुत देर लगाता है, He takes too long to work। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, You took too long to come today। You took too long to come today means तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, You took too long to come today।
तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस मीन्स तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक मीन्स मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आई हैड नो अदर चॉइस। आई हैड नो अदर चॉइस मीन्स मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आई हैड नो अदर चॉइस। ज़्यादा भोली मत बनो। डोंट एक्ट सो क्यूट। डोंट एक्ट सो क्यूट मीन्स ज़्यादा भोली मत बनो। डोंट एक्ट सो क्यूट। तुम बहुत बदल गई हो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। यू हैव चेंज्ड अ लॉट मीन्स तुम बहुत बदल गई हो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज आस्किंग मी। इट्स नो यूज आस्किंग मी मीन्स मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज आस्किंग मी। तुमने मुझे हंसा दिया। यू मेड मी लाफ। यू मेड मी लाफ मीन्स तुमने मुझे हंसा दिया। यू मेड मी लाफ। सब कितना फीका फीका है। एवरीथिंग इज सो डल। एवरीथिंग इज सो डल मीन्स सब कितना फीका फीका है। एवरीथिंग इज सो डल। तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। यू कुड हैव हेल्प्ड मी मीन्स तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। तुम मुझे बुला सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। यू कुड हैव कॉल्ड मी मीन्स तुम मुझे बुला सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम वहाँ जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर मीन्स तुम वहाँ जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर। मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर सकता था। आई कुडंट हैव मैनेज्ड विदाउट यू। आई कुडंट हैव मैनेज्ड विदाउट यू मीन्स मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर सकता था। आई कुडंट हैव मैनेज्ड विदाउट यू। वो एक आध दिन में आएगा। ही विल कम इन अ डे और सो। ही विल कम इन अ डे और सो मीन्स वो एक आध दिन में आएगा। ही विल कम इन अ डे और सो। मैं एक आध घंटे में तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू एन आर और सो। आई विल मीट यू एन आर और सो मीन्स मैं एक आध घंटे में तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट इन एन आर और सो। आज तपतपाती गर्मी है। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे मीन्स आज तपतपाती गर्मी है। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। और अगर बोलना हो कि आज कम कपाती ठंड है तो कैसे बोलेंगे? इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे मीन्स आज कम कपाती ठंड है। इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।